नमस्ते। आज हम बनाएंगे पालक से चावल। तो चलिए पालक से चावल बनाते हैं। मैंने थोड़े से पत्ते पालक के लिए हैं, मेरे हाथ से एक मुट्ठी होगा और या गिनती के हिसाब से 10 से 12 पत्ते ले लीजिए। थोड़े से धनिया और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है। लहसुन अदरक का चाहे तो आप पेस्ट डाल लीजिए, और नहीं तो साबुती इसी के साथ पीस लेंगे हम इसको। तो चलिए मैं इसको पीसती हूँ, पालक धनिया और हरी मिर्ची को पहले पीसेंगे। तो देखिए मैंने साबुत मसालों में 2 लाल मिर्ची लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ा इलायची लिया है और 2 से 3 लौंग और थोड़े से काली मिर्च, बस इतना ही लिया है मैंने। अब इसको तड़का लगाएंगे जीरे के साथ में। गर्म हो गया है अच्छे से, और आप चाहे तो इसमें घी से या तेल से, रिफाइंड से, जिस चीज़ से आप खाते हो उससे बना सकते हैं। मैं 1/2 चम्मच डालूंगी जीरा के साबुत मसाले मैंने डाल दिए इसमें। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे हम गरम मसाला। मसाला हमारा भून गया है, अब हम प्यूरी डाल देंगे जो हमने बनाया था। डाल देंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहें तो कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अभी पालक हमारा भून गया है अच्छे से। अब इसमें हम 2 कटोरी चावल मैंने भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए, और पानी निकाल लिया है मैंने इसका, इसमें डाल देंगे। तो देखिए चावल भी भून गया अच्छे से। अब मैं इसमें 2 कटोरी ये चावल था तो मैं 2 कटोरी पानी डाल दूंगी, और चावल भीगा हुआ भी था ये, नल के अच्छे से इसमें डाल दूंगी। तो देखिए मैंने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं 1/2 नींबू डाल दूंगी इसके अंदर जूस उसका, और मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी इसमें। अब जब इसमें से अच्छे से खादा आने लगेगा तब हम इसको बंद करके सीटी लगाएंगे, 1 सीटी लगाएंगे बस। अब इसमें चलिए इसको हम बंद करते हैं। देखिए चावल बिल्कुल खिला खिला बना है बिल्कुल। और आप अगर इसको बनाएंगे घर पे खाएंगे तो सिर्फ आपको बिल्कुल पालक पनीर जैसा फ्लेवर आएगा इसका। तो चलिए मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए बहुत आसानी से हम पालक से चावल बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैंने चावल थोड़ी देर ही भिगोया था, और उबाल आते ही मैंने 1 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगाया था इसको। तो घर पर बनाइए, और जो बच्चे नहीं खाते हैं वो बच्चे भी खाएंगे इसको। तो घर पे एक बार बनाइए और ट्राई कीजिए, बताइए कैसा बना था ये। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।